अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, देखो आज मैं ये दूसरी रेसिपी कलेजी की डाल रही हूँ। इसमें कलेजी धो के इसमें कुकर में डाल के हल्दी आधी चम्मच और थोड़ी सी मिर्ची डाल के ना हम इसको अच्छी गला लेंगे। सीटियाँ बजा के इसको गला लेने के बाद ये मैंने मिर्ची ली है, बिरस्ते के लिए 2 छोटी डल्ली प्याज ली है, इसका हम बिरस्ता बना लेंगे। गाइज, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो ये मैंने हल्दी मिर्ची धनिया और ये पैकेट मसाला, इसमें कलेजी में बिरयानी मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैंने बिरयानी मसाला डाला है, होममेड गरम मसाला डाला है। ये बिरस्ता हमने अच्छी तरह से भून लिया, तल लिया है, बिरस्ता हमारा बन चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक टमाटे के 4 टुकड़े करके हमने इसको तेल में तल लिया है, बिरस्ते वाले तेल में इसको तल लिया है ताकि इसकी स्किन निकल जाए और थोड़ा नरम पड़ जाए। हमने इसकी स्किन निकाल के इसके छोटे टुकड़े करके इसको डाल दिया तेल में। इस पर हम 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन डालेंगे। हमारी कलेजी 250 ग्राम थी, आधी चम्मच हल्दी और नमक डाल के बाफ ली। अब ये टमाटे में 2 चम्मच अदरक लहसुन डाल के ये हल्दी मिर्ची धाने होममेड गरम मसाला पैकेट मसाला बिरयानी का डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ये हमारा मसाला भून चुका है, इसमें हमने पुदीना कोथमीर डाल दिया, इसको भी भून लेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा भून लेंगे। एक पीसी हुई एक मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है, एक मिर्ची जैसा इसको भून लिया है। गाइस, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप मेरे तरीके से बना के देखो, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। यह हमारे गले हुए कलेजी गुर्दे हम ये मसाले भुने हुए मसाले में डाल देंगे। ये मैंने बकरे के कलेजी गुर्दे लिए हैं, ये मैं दूसरी रीसी रेसिपी डाल रही हूँ, दूसरी तरीके की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें बाफ लेने से हल्दी नमक डाल के 1 गिलास पानी में बाफ लेने से इसकी स्मेल कलेजी की जो आती है वो नहीं आती। अब इस पर हम अच्छी तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल तरी का भगा लगा देंगे। आप इसको रोटी के साथ, परांठे के साथ, राइस के साथ खा सकते हो। इंशाल्लाह आप ये तरीके से भी बना के देखो, आपको ये रेसिपी भी बहुत ही अच्छी लगेगी। इसमें मैंने पुदीना कोथमीर डाल दिया है, मेरी कलेजी खाने के लिए बिल्कुल, मेरे बकरे की कलेजी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप बना के देखो, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।